दो बैलों की कथा। तो आज पढ़ेंगे पाठ का सार। झुरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे, जो अत्यंत हष्टपुष्ट, बलिष्ठ और सुंदर थे। दोनों में अच्छा संबंध था। झुरी अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार से रखता था। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक साथ खाने के लिए नांद में मुंह डालते थे। एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। स्नेह जताने के लिए वे कभी एक दूसरे को चाटते तो कभी सूंघते। एक दिन झुरी का साला, उसकी पत्नी का भाई, गया अपने खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने घर लेकर के गया। हीरा और मोती इससे अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे किसी भी तरह गया के साथ जाने को तैयार नहीं हुए। हीरा और मोती एक दूसरे की आँखों की भाषा अथवा मूक भाषा को समझते थे। आँखों की भाषा को क्या बोलते हैं? मूक भाषा बोलते हैं। दोनों ने आँखों ही आँखों में वहाँ से भाग जाने की योजना बना ली। रात के समय दोनों ने अपनी अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक के घर वापस आ गए। दोनों रस्सी तोड़ करके सवेरा होते ही जब झुरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बहुत खुश हुआ, उसकी बांछें खिल गई, बच्चों ने खुशी से स्वागत किया। लेकिन झुरी की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में लाल पीली हो गई। गुस्से आने को बोलते हैं लाल पीली होना। क्रोध में आकर झुरी की पत्नी ने बैलों को खुराक देना कम कर दिया, यानी खाना देना कम कर दिया। दूसरे दिन फिर झुरी का साला आ गया और बैलों को मोटी रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया। बैलों के साथ बुरा व्यवहार करने लगा, सूखा भूसा देने लगा, दिन भर हल में जोतता। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका जीवन इतना नरक बन जाएगा। इसलिए दोनों बैल जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले गए। कभी कभी दोनों अड़ जाते और एक कदम भी नहीं उठाते थे, तो उन्हें गया बहुत ज़्यादा डंडे से पिटाई करता था, मारता था। दोनों बैल वहाँ से भाग जाने का निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन भाग नहीं पाए। उसी घर में एक नन्ही बच्ची रोज़ रात को उन दोनों को दो रोटियाँ खिला जाती थी, जिससे प्रेम के भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती थी, परंतु पेट की भूख जो जो बनी रहती। प्रेम के इस प्रसाद से उनका साहस और हौसला बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भैरों की थी, उसकी माँ नहीं थी। सोतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बैलों की दुर्दशा बच्ची से देखी नहीं गई। एक दिन उसने बैलों की रस्सी खोल दी, उनके साथ भाग जाने का मौका दिया, परंतु दोनों बैलों ने आपस में आंखों ही आंखों में इशारा किया कि उनके जाने के बाद बच्ची पर अन्याय होगा, इसलिए वे वहां से नहीं भागे। बच्ची ने अचानक ललकारा कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब हीरा मोती के पास कोई चारा नहीं था। गया को आता देखकर दोनों हाथ जान हथेली पर रखकर भाग खड़े हुए। गया ने बहुत कोशिश की, किंतु वे हाथ नहीं आए और भागते भागते मटर के खेतों में पहुंच गए। वे रास्ता भटक चुके थे, भूख से व्याकुल हुए जा रहे थे, इसलिए दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर के खेतों में चले गए। खेत से अभी निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हो गया। दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया। सांड घायल होकर वहां से भाग निकला। उन्हें झुरी के घर का रास्ता नहीं पता था। अभी वे घर पहुंचने के बारे में सोच ही रहे थे कि पुनः मटर का खेत देखा और उसमें घुस गए। मटर खाता देख खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य जानवर भी बंद थे। वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने कांजी हाउस की दीवार गिरा दी। अन्य जानवर भी भाग गए, किंतु हीरा अपनी रस्सी नहीं तुड़वा सका, इसलिए मोती भी उसे छोड़ कर के नहीं भागा। अन्य जानवरों को मुक्त कराकर दोनों संतुष्ट थे। उसके बाद
हीरा और मोती एक सप्ताह तक कांजी होंस में ही रहे। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। दिन में केवल एक बार पीने के लिए पानी मिलता था, जिसके कारण उनकी ठठरियाँ यानी हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन कांजी हंस वालों ने उन्हें एक दड़ियल के हाथों पे नीलाम कर दिया, जो पेशे से कसाई था। कसाई यानी जो जानवरों को काटते हैं। हीरा को बहुत निराशा हुई, उसे लगा कि अब वे नहीं बचेंगे। किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा हुआ था, उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर चला, तो जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उन्हें वह रास्ता परिचित सा लगा, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें लेकर के गया था। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई, सारी थकान और दुर्बलता भी गायब होने लगी। हीरा और मोती को एक कुआं दिखाई दिया, जिसे मोती ने पहचान लिया, और हीरा को आंखों ही आंखों में उसने बताया कि उनका घर जो है निकट ही है। दोनों उन्मत्त यानी बेचैन हो गए और अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपने थान पर आकर खड़े हो गए। पैदड़ियल भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। तभी झुरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लग गया। दड़ियल और झुरी में बैलों को लेकर काफ़ी कहासुनी होने लगी। दड़ियल उन्हें पकड़ कर कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने कांजी हंस से नीलामी में खरीदे हैं। झुरी ने कहा कि बैल मेरे हैं, मेरे थान में खड़े हैं। झुरी के विरोध और मोती के आक्रमण से दड़ियल डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोग भी यह तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में नादों में खली, भूसा और चोकर डाल दिया गया। झुरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा। दोनों मित्र अब स्वतंत्र थे। इत्मीनान से यानी तसल्ली से वह अपनी नांदों में खाना खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह छा गया। उसी समय झुरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। तो देखिए, आपको मैंने इस कथा का सार सुनाया है, दो बैलों की कथा, जो हिंदी की पुस्तक में आपका प्रथम अध्याय है NCERT का। अगर आपको इसी तरह से और पाठों की भी सारांश या व्याख्या सुननी है तो मेरे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको और चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगी। क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं केवल शौकिया तौर पर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जो मैं हायर क्लासेस को इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, बट मेरे को हिंदी का शौक है, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाए थे। अगर आपको और चैप्टर पढ़ने हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके चैप्टर का नाम लिख दीजिए, जिसकी मैं आपको संक्षिप्त व्याख्या करके बताऊँगी। यदि आपको इसके बारे में कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना है इस प्रश्न के जो पाठ है इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी शब्द का मीनिंग भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।